Health Organization's method. Hi friends, this is how you wash your hands. Step 1, wet your hands. Remember friends, we want to wash our hands for at least 20 seconds to make sure we get rid of all of the germs. Step 2, use enough soap to cover both hands entirely. Step 3, rub your hands palm to palm. Step 4, put one palm on top of your other hand, interlace your fingers and rub. Repeat with the other hand. Step 5, put your palms together and interlace your fingers and rub. Step 6, rub the back of your fingers together with your hands in fists. Step 7, make a fist around your thumb and rub rotationally. Repeat on the other hand. Step 8, clasp your fingers together and rub them in a circle in the palm of your other hand. Make sure to do this on both hands. Step 9, rinse your hands with water. Your hands are now clean and safe. पब्लिक स्कूल के नाम से प्रसिद्ध स्कूल 20 साल पहले हम खुर्शी बार के निवासी जितने भी इस क्षेत्र के रहने वाले हैं सिर्फ राजा सर को जानते थे, राजा सर के नाम से भी हम जानते थे, स्कूल के नाम से कम यहाँ जानते थे। राजा सर और उनके मिसेस ने यहाँ KG 1 से स्कूल स्टार्ट करके आज इस क्षेत्र तक 20 साल के पीरियड में यहाँ तक पहुँचा दिया। ये हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे जो ये खुशी पार्क के आसपास के नागरिक सेक्टर 11, 1, 2, 3 जो बच्चे आ रहे हैं आज इस स्कूल में हजार से ऊपर बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। मैडम शिक्षक और शिक्षिकाएं बच्चे अनुशासन में हम देखते हैं, हम स्कूल में जाते हैं तो हमें आभास होता है कई स्कूल में आए हैं। इस स्कूल में अनुशासन के नाम से बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। आप पेरेंट्स आए हैं जिनके बच्चे स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स से आए हैं और देख रहे होंगे KG 1 के बच्चे। मैं तो धन्यवाद देता हूँ राजा सर को, KG 1 के बच्चे जो इस तरीके का डांस करके दिखाया। जो मैं तो कहता मैं सभी जगह जाता हूँ, सारी संस्था में अग्रवाल समाज में सभी जगह बुलाया जाता हूँ। मैं देखता हूँ हमारे अग्रवाल समाज की भी संस्था है, वहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते हैं। वैसे ऐसे छोटे छोटे KG 1 के बच्चे इस तरह के डांस करते मैंने नहीं देखा। मैं इनको पूरी टीम को, पूरे शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ और पेरेंट्स को भी धन्यवाद देता हूँ जो इस स्कूल में बच्चों का अध्ययन करा रहे हैं। मैं चाहूँगा सभी बच्चे स्कूल के आसपास के स्कूल है, बहुत से स्कूल है, यहाँ पे खुर्शी पार में 6 स्कूलें चल रही है, परंतु ये स्कूल ऐसी अध्ययनशील है, ऐसा अनुशासित ही शिक्षा का प्रदान करते हैं। मैं तो स्टेज पे सुना कि बच्चे इंडिया के कोने कोने में जाके पारितोषिक इनाम लेके आए हैं किसी गेम में कि भाग लेके। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उनके पेरेंट्स को, धन्यवाद देता हूँ राजा सर को जो इस स्कूल के माध्यम से आपने हिंदुस्तान में इन बच्चों को आगे बढ़ाया। और मैं चाहूंगा कि आगे भी ये दिन प्रतिदिन स्कूल प्रोग्रेस करे और यही हमारी पूरे समाज की मिलाएगी तमन्ना रहेगी अगर ये स्कूल दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और इस देश में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्कूल में नाम आए, यही मेरी कल्पना है। इसी साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम देखने को कभी कभी मिलता है, हर स्कूल का बच्चा होता है। आज पेरेंट्स और स्टूडेंट कितने हजारों की तादाद में यहाँ बैठे हैं, ऐसा सालाना सालगिरह होता है इनका, तो इतना मैं स्कूलों में इतने बच्चे और उनके पेरेंट्स नहीं देखने पाते, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ राजा सर को और इनकी मिसेज को जो स्कूल को संचालित कर रही है। भगवान करे ये स्कूल दिन प्रतिदिन बढ़े और मेरा ये धन्यवाद। तो कैपिटलाइजेशन मेथड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट
अपॉन रेट इन 200 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन हम पहले भी सीख चुके हैं, अगर आपको ये सीखना है तो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 आप देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिसका मेथड है सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट इनटू 100। इन दोनों के फॉर्मूले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें, दोनों फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो इसको हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 1,20,000। द टोटल टेंजिबल एसेट्स इन दिस फर्म आर 15 लैक्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 4 लैक्स। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आंसर निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट इन 200 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10%। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे 1,20,000 अपॉन 10 इंटू 100। इसमें से माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स दे रखी हैं 15 लैक्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी हैं 4 लैक्स। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे 15 लैक्स माइनस 4 लैक्स, जिससे कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी 11 लैक्स। इसको आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जिससे अमाउंट आएगा 12 लैक्स और इसमें से लेस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 11 लैक्स, जिससे आपका गुडविल का अमाउंट आ जाएगा 1 लैक। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट इनटू 100। मैं गैप छोड़ रहा हूं ताकि हम सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकें। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000, इसमें से लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। हमने प्रीवियस में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया था जो है 11 लैक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 से और रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 10%, जिससे नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 1,10,000। तो आप एवरेज प्रॉफिट में से 1,10,000 लेस करेंगे, जिससे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। इसको आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 10,000 अपॉन रेट है 10 इंटू 100, जिससे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1 लैक और ये आपका आंसर है। तो आपने देखा कि दोनों ही फॉर्मूले से आंसर जो है सेम आता है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है।